यहूदियों के मुताबिक टेंपल को तामीर करने के लिए इनको प्योर यानी पाकीज़ा होना पड़ेगा। अब इनके स्क्रिप्चर में इन पाकीज़गी को हासिल करने का तरीका ये लिखा है कि इनको लाल गाय चाहिए होंगी, ऐसी गाय जो सर से पांव तक बिल्कुल लाल हो, इनमें कोई डिफेक्ट ना हो और जिबा करते हुए इनकी उम्र 3 साल हो। ये लोग इन काउस को जिबा करेंगे और इनको जलाकर इनकी राख को पानी से मिलाकर खुद को पाकीज़ा कर लेंगे और फिर जाकर ये मस्जिद अक्सा की जगह टेंपल तामीर करना शुरू करेंगे। इसके लिए इन्होंने एक स्ट्रक्चर भी तैयार कर लिया है जहाँ ये सब कुछ होगा। इन्होंने उस टेंपल का एक मॉडल भी तैयार किया हुआ है। इन काउस को जिबा करने के टूल्स भी बना लिए गए हैं, जैसा कि हीरे के छुरी वगैरह, यानी इन्होंने अपनी तैयारियां पूरी की हुई है। ये भी रिपोर्ट सामने आई है कि ज़ायनिस्ट ऑलरेडी मस्जिद अक्सा के बुनियादों को कमजोर कर रहे हैं ताकि बाद में ये इसको आसानी से शहीद कर सके। इनको बस ये लाल गाय चाहिए थी जो अब इनको मिल गई है। ये तक कहा जा रहा है कि अप्रैल में ये शायद रेड काउस को जिबा कर दे, जिसका मतलब होगा कि फिर ये मस्जिद अक्सा को शहीद करने की कोशिश करेंगे। वो जगह जो